नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय का जो बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है उसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली कक्षाओं में राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के संबंध में सहसंबंध के बारे में जो विचार चल रहे थे उन्हीं के संबंध में आज भी देखिए, हमारी जो पिछली कक्षाएं हुई थी राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार में, हम अब तक परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें आज तो आज हमारा टॉपिक होगा आज का राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में किस प्रकार से संबंध हैं, इन संबंधों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आज यह निष्कर्ष भी निकालेंगे, अब तक जो हमने सामाजिक विज्ञान के साथ अन्य विषयों के साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे आज का टॉपिक सबसे पहले राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच संबंधों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान राजनीति का एक शास्त्र होता है जिसमें राज्य और सरकार के अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, साइको प्लस लॉजी, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय, मनुष्य की मन की स्थिति का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है? मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान के बारे में हम बात करें तो मनोविज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक प्राचीन विषय है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्थाएं, उन सभी में हम सुधार कर सकते हैं। मानव के जो स्वभाव में, हम मानव के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मनोविज्ञान से। देखिए, मनोविज्ञान का अभिप्राय यहाँ पर मन के विज्ञान से है, यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में मानव की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि मानव किस अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करता है, मानव के मस्तिष्क में किस अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार या सिद्धांत अपनाता है। मनोविज्ञान की सहायता से हम राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए, मनोविज्ञान और
राजनीति विज्ञान में बहुत क्या है, अटूट संबंध है। हम इसके सबसे पहले अभिप्राय के बारे में बात करते हैं, मनोविज्ञान का अभिप्राय। मनोविज्ञान का अभिप्राय यानी मन का विज्ञान, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। देखिए, मनोविज्ञान में मानव का जो व्यवहार होता है विभिन्न कालों में, उन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें अगले टॉपिक के संबंध में, तो अगला टॉपिक है हमारा मानव विज्ञान यानी कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध यानी कि घनिष्ठ संबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अध्ययन के आधार पर हम बात करें दोनों में, मानव के बारे में अध्ययन किया गया है, यहाँ पर मनोविज्ञान में मानव के आचरण व्यवहार के बारे में, तो इधर जब हम क्रांति पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, क्रांति की उत्पत्ति किस कारण से हुई, मनुष्य ने किस प्रकार चेतनाएं, उन सभी के बारे में मानव इकाई बन जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दोनों का आधार क्या होता है, दोनों का आधार अध्ययन का विषय मनुष्य होता है, मानव होता है। मूल उद्देश्य दोनों का राजनीतिक सुधार, मानव की व्यवस्था में सुधार करना होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं अध्ययन के आधार पर दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों सब्जेक्ट, क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने में हमें मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अध्ययन के आधार पर दोनों में क्या पाया गया है, घनिष्ठ संबंध पाया गया है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें एक दूसरे के पूरक। देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के पूरक के संदर्भ में हम बात करें तो मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान में बहुत घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान की सहायता से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर पाते हैं, उसमें भविष्यवाणी कर पाते हैं। बिना राजनीति विज्ञान के संरक्षण के बिना मनोविज्ञान का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि राज्य और सरकार के संरक्षण पर ही मनोविज्ञान का अधिक विकास हो सकता है। इसी प्रकार से इन्हीं आधारों पर हम अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे इन दोनों के बारे में, तो यह पाएंगे कि ये दोनों विषय एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हम इसी आधार पर कह सकते हैं राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे विषय के क्या है, पूरक है। इसी संदर्भ में हम बात करें मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान का आधार, मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान का आधार, मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान को एक आधार प्रदान करता है। आधार किस प्रकार प्रदान करता है, देखिए, हम जब मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में, तो उसके मस्तिष्क की जो बातें होती है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रांति होने से पूर्व ही हम मनोविज्ञान की सहायता से क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से हम मनुष्य के आचरण और व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से हम अपने राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं, प्रजा में आदर्शों का क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की सहायता से मोहित कर प्रजा को आदर्शों में उलझा सकते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से राजनीतिक व्यवस्था में हम युद्ध विजय पा सकते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से
हिटलर मुसोलिन जैसे शासकों ने अपनी प्रजा को एक किया। मनोविज्ञान की सहायता से मुसोलिन और हिटलर ने अपनी सेना का जिस प्रकार से विस्तार किया वह एक अभियान के द्वारा देखने को मिलता है कि उन्होंने मनोविज्ञान की सहायता की। देखिए, राज्य का विस्तार और प्रसार में, युद्ध में, इन सभी में किसकी सहायता ली जाती है? मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान किसका आधार है? मनोविज्ञान तो राजनीति का एक आधार है। किसका आधार है? राजनीति का एक आधार है। देखिए, हम अगले जो घनिष्ठ संबंध है राजनीति विज्ञान व मनोविज्ञान में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोनों मानव इकाई के संबंध में चर्चा करते हैं। दोनों का मूल उद्देश्य मानव में सुधार करना है। वहाँ पर राजनीति विज्ञान में भी मानव कल्याण की बात करते हैं कि शासक किस प्रकार मानव का कल्याण करे, शासक राज्य में किस प्रकार सुधार करके मानव का कल्याण करे। तो ये सब कुछ दोनों का मूल उद्देश्य मानव है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करें मनोविज्ञान में, तो मानव आचरण के बारे में अध्ययन किया जाता है और मानव में सुधार, मानव के आचरण के व्यवहारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों विषय मानव को एक विकाई के रूप में विस्तृत अध्ययन करते हैं। दोनों का उद्देश्य मानव की व्यवस्था सुधार करने में है, मानव का आचरण, मानव का व्यवहार सुधार करने में है। दोनों विषय व्यवहारिक विषय हैं, दोनों विषय प्रयोगात्मक विषय हैं। दोनों विषय किस प्रकार के हैं? व्यवहारिक हैं, ना कि कोई काल्पनिक विषय हैं। इसी प्रकार से हम इन आधारों पे मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा चर्चा का विषय होगा राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर। देखिए, विषय वस्तु के आधार पर अंतर। अब हम पहले तो घनिष्ठ संबंधों के बारे में बात किए थे, अब इनमें अंतरों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से किन किन आधारों के आधार पर राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर पाया गया है। देखिए, पहला अंतर का आधार है विषय वस्तु में अंतर। दोनों की विषय वस्तु में व्यापक अंतर पाया गया है। व्यापक अंतर इसलिए पाया गया है कि राजनीति विज्ञान तो किसके अध्ययन पे बल देता है? सरकार और राज्य के अध्ययन पर बल देता है। लेकिन हम बात करें मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो मनोविज्ञान मानव के आचरण और व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव के आचरण और व्यवहार का अध्ययन करता है। इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर भी दोनों में क्या पाया गया है? एक व्यापक अंतर पाया गया है, एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर देखने को मिलता है। देखिए, हम बात करें
अगले अंतर के संदर्भ में मूल्यों और आदर्शों का अंतर। देखिए यहाँ पर राजनीति विज्ञान विषय और मनोविज्ञान विषय में मूल्य और आदर्शों के आधार पर, मूल्य और आदर्शों के आधार पर भी क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो राजनीति विज्ञान है उसने आदर्शात्मक, राजनीति विज्ञान ने आदर्शात्मक पद्धति को अपनाया, तो मनोविज्ञान ने कौन सी पद्धति को अपनाया, वर्णनात्मक। क्या है, क्या था, ये बात करता है कौन, ये बात करता है मनोविज्ञान। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चाहिए शब्द पे बल कौन देता है, राजनीति विज्ञान। राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, राज्य की, राज्य में सुधार किस प्रकार किया जाए, राज्य में किस प्रकार सुधार होना चाहिए, इन सभी पे यानी आदर्शात्मक दृष्टिकोण कौन अपनाता है, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान यहाँ पर मूल्य और आदर्शों की बात करता है, तो वहाँ पर हम बात करें मनोविज्ञान में वर्णनात्मक मूल्यों पर बल दिया जाता है, जबकि यहाँ पर राजनीति विज्ञान में आदर्शात्मक पद्धति को अपनाया जाता है, चाहिए पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या है, व्यापक अंतर है। देखिए हम बात करें अगला जो अंतर है उसके संदर्भ में प्राचीनता के आधार पर अंतर, प्राचीनता के आधार पर अंतर। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान इतना प्राचीन विषय नहीं है जितना कि मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में वर्षों पूर्व भी मानव आचरण और व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, इसीलिए सबसे प्राचीन विषय मनोविज्ञान को माना गया है, क्योंकि प्राचीन समय ये में भी मानव के आचरण और व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता था वो मनोविज्ञान के अध्ययन के तहत किया जाता था। राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान की तुलना में एक नवीन विषय है, तो हम प्राचीनता के आधार पर भी दोनों विषय में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। हम इनका एक व्यापक अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि प्राचीनता के आधार पर भी राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर है। देखिए हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर, देखिए क्षेत्र के आधार पर भी राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में व्यापक अंतर पाया गया है। क्षेत्र के आधार पे हम बात करें, राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य और सरकार के अध्ययन पे बल दिया जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, संकुचित क्षेत्र। जबकि मनोविज्ञान में मानव की संपूर्ण क्रियाकल्प आचरण सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो हम मनोविज्ञान को एक विस्तृत विषय के रूप में जान सकते हैं। इसी प्रकार और इसी आधार पर हम मनोविज्ञान व राजनीति विज्ञान में दोनों में हम बड़ा व्यापक क्या कर सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर अंतर कर सकते हैं।
क्योंकि क्षेत्र के आधार की हम बात करें राजनीतिक विज्ञान में विषय में, तो वहां पर सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में मानव आचरण मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम क्षेत्र के आधार पर दोनों विषय में व्यापक अंतर कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पांचवा जो अंतर पाया गया है वह है उद्देश्य के आधार पर अंतर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर अंतर। उद्देश्य का मतलब हुआ कि राजनीतिक विज्ञान का क्या उद्देश्य है विषय का, मनोविज्ञान विषय का क्या उद्देश्य है। राजनीति विज्ञान विषय का उद्देश्य है राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना। लेकिन हम बात करें मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो वहाँ पे राजनीति की बात नहीं की जाती, वहाँ पर राज्य की बात नहीं की जाती, वहाँ पे सरकार की नहीं बात की जाती। उसका उद्देश्य है क्या? मानव का विकास करना, मानव के आचरण और व्यवहार का अध्ययन करना ही इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है। इसी प्रकार से इन्हीं उद्देश्य के आधार पर भी हम राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के बीच सहसंबंध के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण किया। देखिए, यहाँ पर हम बात करें, क्या पढ़ा अभी तक हमने? पढ़ा राजनीति विज्ञान के सहसंबंध में मनोविज्ञान का अभिप्राय, यानी कि हम इसका अर्थ जाने। इसके बाद में हमने राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में किन किन आधारों पर घनिष्ठ संबंध हैं उनके बारे में चर्चा की, जिनमें हमने प्रथम चर्चा की अध्ययन के आधार पर, दूसरी बात की एक दूसरे के पूरक, और तीसरी बताई इनके घनिष्ठ संबंध होने के कारण में मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान का आधार, और चार नंबर पर दोनों मानव इकाई के संबंध में। हम अंतर के बारे में बात करें तो अंतरों के बारे में हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान व मनोविज्ञान में अंतर, विषय वस्तु में अंतर, मूल्य और आदर्शों में अंतर, प्राचीनता के आधार पर अंतर, क्षेत्र के आधार पर अंतर और उद्देश्य के आधार पर अंतर। इस प्रकार से हमने मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में पढ़ा। देखिए, इन सभी विषयों के पढ़ने के बाद में थोड़ा सा टॉपिक है हमारा राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। देखिए, दर्शन की बात करें, फिलॉसफी कहते हैं दर्शन, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, साइंस यानी विज्ञान, और यहाँ पे पॉलिटिकल फिलॉसफी। राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान, यहाँ पर वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है, तथ्यों पे बल दिया जाता है। राजनीति विज्ञान में हमेशा तथ्यों पे बल दिया जाता है, तथ्यों की बात की जाती है। यहाँ पर कल्पनावादी होता है, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होगा, यानी एक कल्पनात्मक होता है। ये किस प्रकार का होता है? कल्पनात्मक। ये वर्णनात्मक होता है, ये आदर्शात्मक होता है। लेकिन दोनों में विस्तृत अंतर पाते हुए भी यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत के ही एक रूप हैं। राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन राजनीतिक सिद्धांत की ही दो शाखाएं हैं,
और इन दो शाखाओं के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर काल्पनिकता पर बल दिया जाता है और यहाँ पर व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। हम अगर दृष्टिकोण लेकर देखें यहाँ पर तो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण हम ले सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में इसे व्यवहारवाद कह सकते हैं और इसे परंपरागत कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दर्शन में परंपरागत मूल्यों जैसी बात की जाती है, परंपरागत सिद्धांतों को अपनाया जाता है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार और आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम इन दोनों के बारे में उनको लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। देखिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, राजनीति विज्ञान के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सहसंबंध हमने पढ़ा। देखिए इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है, हमने प्रत्येक विषय पढ़ा चाहे वो राजनीति दर्शन हो, मनोविज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, सभी समाजशास्त्र हो, सभी जो विषय थे सामाजिक विज्ञान के उनको लेकर के राजनीति विज्ञान से संबंध स्थापित किया, उनमें अंतर स्पष्ट किया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अन्य जो विषय हैं वह एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान अपने मूल आधार को नहीं खोती है, वह एक समग्रता को अपनाते हुए सभी विषयों को अपने समाहित करते हुए अपनी चरम सीमा पर बढ़ते हुए रहती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को अपने में समाहित करने की क्षमता रखता है। तो अब हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट नया टॉपिक आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।